आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। आम आदमी पार्टी के एक और नेता के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने अमानतुल्ला खान के घर छापा मारा। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में की जा रही है। ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल 2 FIR के तहत की गई है। ये FIR दिल्ली वक्फ बोर्ड में नौकरियों में अनियमितताओं से जुड़ी है। अमानतुल्ला खान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन है। इससे पहले 4 अक्टूबर को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर 10 घंटे छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं। वहीं दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, जंजीर बनती जा रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता 2 अलग अलग मामलों में कस्टडी और जेल में हैं। ये नेता है सत्येंद्र जैन, जो आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया, जो शराब नीति घोटाले में CBI की कस्टडी में है, और संजय सिंह, जो शराब नीति घोटाले में ईडी की कस्टडी में है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।